मैं क्रिएटिन लेता हूँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मुझे पानी पीना पड़ता है लाइक 4 से 5 लीटर या 6 लीटर। यस, मैं 7 टाइम्स मिल्क कंज्यूम करता हूँ पूरे दिन भर में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ ADBMX इंडिया यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आदित्य और ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में। मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं क्या खाता हूँ, हॉस्टल में मेरी क्या डाइट है, मैं कितने टाइम मिल ले रहा हूँ। तो ये वीडियो फुल डे ऑफ ईटिंग के बारे में, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्या क्या हॉस्टल में क्या क्या मील ले रहा हूँ अपनी डाइट पे। सो वीडियो को यहाँ स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको समझेगा मैं क्या क्या खाता हूँ और कितना प्रोटीन और कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले हम लोग मील नंबर फर्स्ट पे आते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और फ्रेश व्रेश होकर मैं सबसे पहले अपना मील लेता हूँ, जो है 3 रोटी और पीनट बटर, और ये मेरा प्री वर्कआउट मील है। फिर मैं 5 बजे खा के सीधा 5:30 बजे तक मैं जिम चला जाता हूँ। और फिर जिम से आने के बाद करीब 7:30-8 बजे मैं सेकेंड मील लेता हूँ, जो कि मेरा सेकेंड ब्रेकफास्ट होता है और पोस्ट वर्कआउट मील होता है। सो पोस्ट वर्कआउट मील में मैं करीब 12 ब्रेड लेता हूँ जिसमें पीनट बटर लगे होते हैं, और 2 होल एग लेता हूँ बॉइल्ड, और 2 ग्लास दूध लेता हूँ जिसमें से 1 ग्लास दूध मैं वहीं कंज्यूम करता हूँ, और 1 ग्लास जो रहता है उसे मैं अपने बॉटल में भर लेता हूँ ताकि मैं 11-12 बजे वो दूध में कंज्यूम कर सकूँ विथ प्रोटीन और क्रिएटिन। सो मील नंबर थर्ड जो है वो मेरा मतलब सबसे बेसिक है, जो सप्लीमेंट है वो है, मैं दूध में 1 स्कूप प्रोटीन और 2 स्कूप क्रिएटिन लेता हूँ 11-12 बजे के करीब क्लास में। और मील नंबर फोर्थ है वो है मेरा लंच। लंच में मैं काफ़ी मतलब बेसिक रहता हूँ, लाइक दाल चावल रोटी सब्जी और अचार मैं कंज्यूम करता हूँ, 4 रोटी और थोड़े बहुत चावल। सो मेरी हर मील में मैं ट्राई करता हूँ कि अपना मैं पेट भर के खाऊँ। सो ये मेरा फोर्थ मील है। और फिफ्थ मील मेरा है इवनिंग का स्नैक होता है। इवनिंग का स्नैक मेरे हॉस्टल पे डिपेंड करता है कि कौन से दिन कौन सा स्नैक मिलता है, लाइक हर दिन सेम नहीं मिलते, कभी पाव और बटर मिलता है तो कभी पाव भाजी मिलता है। सो एक ही चीज़ पे मैं डिपेंड नहीं रहता हूँ, इवनिंग का स्नैक मेरा हमेशा डिफरेंट रहता है। सो वो मैं कंज्यूम करता हूँ और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ 5:30 बजे करीब, और प्रैक्टिस करने के आने के बाद 7:30 बजे तक मैं 8 बजे में ट्राई करता हूँ कि अपना मतलब डिनर कर लूँ वही टाइम पे 8 बजे। और मेरे डिनर में भी सेम दोपहर की तरह लंच जैसा ही रहता है, 4 से 5 रोटी और थोड़े से चावल। और रात के टाइम जैसे कि आप लोगों को जानते होंगे कि मेरे हॉस्टल में कुछ मतलब रात में हमेशा स्पेशल रहता है, लाइक कभी आइसक्रीम मिलता है या कभी कोई भी डिज़र्ट मिलता है या फिर कस्टर्ड मिलता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें मैं अपने मतलब कैलोरी भर के खाऊँ रात में भी। तो मेरे रात के भी मील में 4-5 रोटी और दाल चावल होता है। सो अब मील नंबर 7th के पास आते हैं। मील नंबर 7 है मेरा रात का मतलब सोने से पहले जो मैं खाता हूँ वो है 4 से 5 बॉइल्ड एग्स। मैं बॉइल्ड एग्स कंज्यूम करता हूँ सोने से पहले, होल एग्स, और ये खाने के बाद मैं सो जाता हूँ। सो ये मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग है, मैं दिन भर में मैं क्या क्या खाता हूँ। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर पाऊँ। अगर मेरे फुल डे ऑफ ईटिंग आप कैलोरी अगर काउंट करोगे तो मैं करीब 3700 कैलोरी कंज्यूम करता हूँ, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है बिकॉज मैं साइकिलिंग करता हूँ। मैं 1 से 2 घंटे में साइकिलिंग करता हूँ, सो इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हो जाता है। सो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा खाना पड़ता है गेन करने के लिए मसल, तो इसलिए मैं ज़्यादा कैलोरी खाता हूँ। और मैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से 2 x बॉडी वेट के हिसाब से मैं प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ साथ में। सो मेरा यही डाइट है अभी हॉस्टल में, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एकदम अपने डाइट ऑन पॉइंट रहूँ ताकि मुझे इफ़ेक्टिव रिजल्ट दिखते रहें, लाइक जिस हिसाब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उसी तरह मुझे रिजल्ट मिलते रहे। सो मैं डाइट सबसे ज़्यादा मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट रखता हूँ। और सबसे मेन चीज़ बात यह है कि मैं पानी कितना पीता हूँ। सो मैं क्रिएटिन लेता हूँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मुझे पानी पीना पड़ता है लाइक 4 से 5 लीटर या 6 लीटर। तो मैं ट्राई करता हूँ कि 1 बोतल हमेशा मेरे साथ होती है जिसमें हमेशा मैं पानी रखा ही रहता हूँ और पीते रहता हूँ, हर आधे आधे घंटे पे 1 गिलास 1.5 गिलास में पीते रहता हूँ।
सो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टे हाइड्रेटेड। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसे है। और अभी ये इस टाइम ये वीडियो मैं अपने यूनिवर्सिटी में शूट कर रहा हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके जिसको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिसको डाइट की ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। We'll be right back.